जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन देखें। द फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड, इट इज रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप। मतलब ये कि अगर आप पहले से जानते हो कि आपका लूप कितनी बार इटरेट करेगा, वहां पर हम फॉर लूप को यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखें। सबसे पहले हमारे पास है फॉर कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने व्हाइल लूप पढ़ा था और उसके अंदर हमने एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, इंट आई इक्वल्स टू 1। तो वो हमने लूप की बॉडी से बाहर इनिशियलाइज किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस के अंदर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कंडीशन और फिर है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपको याद होगा जब हमने व्हाइल लूप पढ़ा था तो वहां पर लूप के आखिर में जाके हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया था। यहाँ पर सारा कुछ एक ही लाइन में हो रहा है और वहां पर तीन स्टेप थे। पहले इनिशियलाइज करो लूप के बाहर काउंटर वेरिएबल को, फिर कंडीशन सेट करो और फिर लूप के आखिर में जाके हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड की स्टेटमेंट्स होंगी, जितनी भी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो चलिए इसको यूज करते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि फॉर लूप का नॉलेज आपको ज्यादा से ज्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर फॉर लूप को यूज करते हुए हम पहले 10 इंटीजर्स को आउटपुट में शो करेंगे। इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू 1। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब सबसे पहले हमने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पर हम int i का यूज करेंगे और इसे इनिशियलाइज कर देंगे 1 के साथ। उसके बाद हम कंडीशन सेट करेंगे कि जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता तब तक लूप को एग्जीक्यूट करते रहो। और उसके बाद हम यहाँ पर i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि हर एक के दरमियान में ना हमने सेमी कॉलम का यूज किया है, यहाँ पर आपने कॉमा का यूज नहीं करना वरना आपको एरर शो होगा। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एस आउट और हम आई की वैल्यू को आउटपुट में देखना चाहते हैं। अब ये लूप काम कैसे करेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एक वेरिएबल है काउंटर वेरिएबल आई, हमने इसमें वैल्यू स्टोर की है 1। इसके बाद प्रोग्राम आएगा यहाँ पर तो आई की वैल्यू को चेक किया जाएगा क्या ये लेस देन है 10 से। ऑफकोर्स आई जो है वो 1 है, 1 लेस देन है 10 से। तो उसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट में आई की वैल्यू शो होगी जो कि है 1। फिर लूप में दोबारा वापस जाने से पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसकी वजह से आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है, तो आई जो है अभी भी लेस देन 10 है, तो दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आई के अंदर अब 2 है तो 2 आउटपुट में शो होगा और यहाँ पर लूप में वापस जाने से पहले आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से ये लूप काम करता रहेगा, जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टूट जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं ताकि हर एक नंबर जो है वो न्यू लाइन पे शो हो। इस कोड को रन करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें हमारे कोड का आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हमने फॉर लूप को यूज करते हुए पहले 10 इंटीजर्स को आउटपुट में शो कराया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बात करते हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग होता है, जिसमें स्टूडेंट्स काफी गलतियां करते हैं। तो उसके लिए इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आई में इसकी जो कंडीशन है यहाँ पर मैं 3 सेट कर देता हूँ। ओके, अब इसके अंदर हम एक और फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर भी एक हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए जिसे हम नाम देंगे जे, इसे इनिशियलाइज कर देंगे 1 के साथ। उसके बाद कंडीशन सेट करेंगे कि जे जब तक लेस देन इक्वल टू 3 नहीं हो जाता तब तक लूप को एग्जीक्यूट करो और हर बार जे की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करो। इस तरह से अब इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम यूज करेंगे एस आउट प्रिंट एल एन और यहां पर हम आई की वैल्यू को भी आउटपुट में देखना चाहते हैं, कंकेटिनेशन करेंगे और साथ में हम जे की वैल्यू को भी आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ये वर्किंग कैसे होगी इसकी। देखें यहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा, तो यहां पर आई की वैल्यू है 1, यहां पर कंडीशन चेक होगी आई की वैल्यू लेस देन 3 है तो हम इस फॉर लूप में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर जे की वैल्यू को चेक किया जाएगा, 1 है, कंडीशन चेक होगी जे जो है वो लेस देन 3 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
अब यहां पर आई की वैल्यू वन है, आउटपुट में वन शो होगा, और जे की वैल्यू भी यहां पर वन है, आउटपुट में वन शो होगा। उसके बाद हम दोबारा इस लूप में नहीं जाएंगे, नो, हम दोबारा से वापस आएंगे इस लूप में, ओके, क्योंकि हम एक लूप के अंदर गए, उस लूप के अंदर एक और लूप है, तो जब तक वो लूप कंप्लीट नहीं होगा अंदर वाला, हम बाहर की तरफ वापस नहीं जा सकते। अब क्या होगा, जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी टू, कंडीशन जो है वो टू लेस देन थ्री है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू वन प्रिंट होगी, जो कि वन है, अभी तक हम बाहर वाले लूप में नहीं गए, और यहाँ पर जे की वैल्यू टू प्रिंट होगी। दोबारा से इस फॉर लूप में आएंगे, यहाँ पर जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी, थ्री लेस देन थ्री, नो रॉन्ग, पर थ्री इक्वल टू थ्री है, ये कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर आई की वैल्यू वन प्रिंट होगी और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी थ्री। अब दोबारा से वापस जाएंगे तो जे की वैल्यू फोर है, कंडीशन फॉल्स, तो यहां से ये लूप टूटेगा और दोबारा से हम इस लूप में आ जाएंगे। अब यहां पर आई की वैल्यू हो जाएगी टू, फिर से इस लूप में आएंगे, दोबारा से ये लूप तीन बार एग्जीक्यूट होगा, फिर बाहर वाले लूप में जाएंगे, तो इस तरह से ये काम चलता रहेगा, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहां पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, आई की वैल्यू प्रिंट हुई वन और जे की वैल्यू प्रिंट हुई वन, फिर से आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू टू हो चुकी है, इस तरह से आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू थ्री हो चुकी है, क्योंकि अंदर वाला लूप जो है वो थ्री टाइम्स चला। उसके बाद दोबारा से एक और इटरेशन हुई, उसके अंदर i की वैल्यू हमारे पास टू है और j की वैल्यू वन, फिर i की वैल्यू टू, j की वैल्यू टू, थ्री, इस तरह से ये कोड जो है वो वर्क करता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि नेस्टेड फॉर कैसे काम करती है। पहले बाहर वाला लूप चलता है, फिर हम अंदर जाते हैं, अंदर वाला लूप कंप्लीट होगा, फिर हम बाहर वाले लूप की तरफ वापस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो कुछ हमने आपको पढ़ाया सिखाया आपने खुद से ट्राई करने, फॉर लूप को यूज करते हुए आपने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने, हम भी आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप के रिलेटेड बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जिन पे हम मिलकर बात करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।